हेलो दोस्तों, आज हम ये 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का ये ट्रेस बना कर लाए हैं। ये आपकी डिमांड पर कान्हा जी का ये ट्रेस बनाए हैं, जिसमें कि हम इस ट्रेस में कुछ आपकी डिमांड को पूरी किए हुए हैं, कुछ अपनी इच्छा की पूर्ति किए हुए हैं। देखिए, ये जो बीच का भाग देख रही हैं आप, ये हम आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इसे बनाए हैं। और ये जो देख रही हैं, ये हम इस पे साथ में इस पे हम ये चीज़ को लगा दिए हैं। ये हमें काफ़ी अच्छा लगा तो इसे हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर आप इसे बनाना चाहती हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो में हम आपको ये चीज़ बनाने के लिए नहीं बताए हुए हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और ये चीज़ जो आप देख रही हैं, ये चीज़ हम पूरा बताए हुए हैं। चोली आप बनाना चाहती हैं, हम चोली का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने नंबर के कान्हा जी का आप बनाना चाहते हैं, उतने नंबर के कान्हा जी का आप यहाँ पे चोली बना लें। हम चोली यहाँ अलग कलर से दिए हुए हैं और साथ में इसका जो ज़मीन है पूरा हम अलग कलर से देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊन को जोड़ लेंगे सबसे पहले। इस तरह से ऊन को हम एक स्थान पर जोड़ लिए। अब एक चेन ले लेंगे और अब हम एक स्थान से, एक चेन से, एक डबल क्रोशिया से दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इसका घेरा, इसका जो घेरा है इसे हम कुछ बड़ा कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से दो डबल क्रोशिया बनाए। अब ये अगला चेन जो है यहाँ पे हुक को डालेंगे और इससे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और एक दो। फिर से हम अगला चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे एक चेन, ये दो चेन, यहाँ पे पहला चेन ये है तो हम इससे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक दो। फिर दूसरा चेन से बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, एक और एक दो। फिर अगला से बनाएंगे, इस तरह से बनाते हुए हम सबसे पहले इसे एक लाइन गुलाई में पूरा बुन कर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। एक चेन से दो डबल क्रोशिया पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये लाइन भी कंप्लीट होने को है। अब इसे यहाँ पे लाके हम जोड़ देंगे। ये जुट गया इस तरह से। देखिए यहाँ पे घेरा कुछ लंबा हुआ है, कुछ मतलब कि चौड़ा हुआ है ये घेरा इसका। अब हम यहाँ पे तीन चेन ले लेंगे, एक दो तीन, दो चेन और लेंगे एक्स्ट्रा, एक दो। अब एक चेन बीच करते हुए अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक साथ बंद कर देंगे। फिर हम एक दो तीन चार, चार चेन ले लिए। शुरू में हम ज़्यादा चेन लिए हुए हैं, पांच चेन लिए हुए हैं, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पे जब जुटेगा पूरा बुन कर हम आएंगे, जब जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम इस तरह से लिए हुए हैं। अब चार चेन लेने के बाद एक बीच करते हुए अगला चेन पे हुक को डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर एक दो तीन चार, फिर एक के बाद अगला पे हुक को डालकर इसे बंद कर देंगे, एक दो तीन चार। इसी तरह से करते हुए ये लाइन भी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब इसे लाकर हम यहाँ बंद कर दिए। देखिए ये हम पीछे की ओर चले जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अब एक चेन यहाँ पे बचा, लेकिन हम यहाँ एडजस्ट करेंगे किसी भी तरह। तो एक दो तीन, एक चार, चार चेन ले लेंगे और यहाँ लाकर इसे बंद कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, ये पहला राउंड था, ये दूसरा है, ये तीसरा जा रहा है, तीन राउंड तीसरा जा रहा है। तीन चेन ले चुके हैं, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे हम, दो तीन चार पाँच
और एक छः। देखिए एक ही जगह से हम छः डबल क्रोसिया बनाएं। अब अगला यहाँ पे लाकर हम इसे इस तरह बंद कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर फंदे लेंगे। अब अगला यहाँ अगला से हम छः डबल क्रोसिया फिर से बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक ही रहा छः। अब इसे लाकर यहाँ बंद कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर हम देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो रहा है। फिर एक चेन ले लेंगे, चेन लेने के बाद फिर छः डबल क्रोसिया इसी तरह से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक छः। फिर इसे लाकर हम यहाँ पे बंद करेंगे और एक चेन ले लेंगे, फिर छः डबल क्रोसिया बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए देखिए ये राउंड भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ लाकर उसे बंद कर देंगे, एक चेन ले लेंगे और इसे यहाँ लाकर हम बंद कर देंगे। ये एक लाइन बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से ये लाइन बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन लेंगे, दो बार हम इस तरह से धागे को क्रोसिया पे लपेटेंगे और नीचे की ओर से लेंगे क्रोसिया, इस तरह से लेंगे हम और इसे इस तरीके से निकालेंगे, एक फिर अगला बार में दो, फिर यानी इसे तीन बार में हम पूरा गिराएंगे। देखिए एक बार लपेटें, फिर दोबारा लपेटें, अब फिर नीचे की ओर से ले जाएंगे, इस तरह से नीचे की ओर से ले जाएंगे और एक बार में दो ठो, एक बार में दो, फिर लास्ट में दो। ये तीन बन गया हमारा यहाँ पे, तीन डबल क्रोसिया हो गया। अब हम दो चेन ले लेंगे, एक दो, फिर से धागे को हम दो बार लपेटेंगे और नीचे की ओर से ले जाकर एक बार में दो, फिर से दो, फिर से दो, फिर से एक दो। ये नीचे की ओर से, ध्यान दें नीचे की ओर से हम ले जा रहे हैं और इस तरफ फंदे को निकाल रहे हैं, एक बार में दो, फिर से दो, फिर से दो, इस तरह से बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये अब हम फिर से फंदे लेंगे दो बार और हमें यहाँ बीच में इसे जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट हमें अगला पे इस तरह से बुनते चले जाना है, एक दो तीन, फिर से दो बार फंदे लिए, अगला पे हुक को डालें, दो दो दो, फिर से दो बार फंदे लिए, अगला पे हुक को डालें और ये दो दो दो। अब हम दो चेन ले लेंगे, एक दो, फिर से देखिए हम दो बार इस तरह से लपेट लिए और फिर से एक बार में दो, फिर से दो, फिर से दो, इसी चीज़ को हम रिपीट करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बुनते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब ये लाइन भी बुनकर हम कंप्लीट किए, इस तरह से देख रही हैं आप, इस तरह से इस लाइन को भी बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे इसे सबसे पहले तो इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, इसके बाद एक चेन ले लेंगे और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में देखिए, जोड़ने के बाद में हमें क्या करना है, तीन चेन ले लेना है, एक दो तीन, तीन चेन लेने के बाद दो बार इस तरह हम लपेटेंगे हुक पे और नीचे की ओर से, नीचे की ओर से लाकर इसे उसी तरह से बुनेंगे जैसे कि हम इस लाइन में बुने हुए हैं।
अगर आप चाहें तो इस पे संख्या बढ़ा सकती हैं, एक और कर सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारा ये पोशाक काफ़ी छोटा है और ऊन काफ़ी पतला है, इसलिए हम यहाँ 3 बार फंदे नहीं डाल रहे हैं। तो ये 3 हो गया। 3 के बाद हम 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन फिर से हम 2 बार लपेटेंगे और नीचे की ओर से लाकर फिर से इसे 3 बार में गिरा देंगे। ये तीसरा है, ये हो गया। तो देख रही हैं आप कि जिस तरह से हम इस लाइन में बुने थे उसी तरह से ठीक हम इस लाइन में बुने, यानी हम जो ये कलर जोड़े हैं, ये पहला लाइन, दूसरा लाइन इसे बनाए, तीसरा लाइन और 5वां लाइन सेम है, सिर्फ फंदे का अंतर है, और ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है। तो इसी तरह से हम इसके बाद जब इस राउंड को पूरा कर लेंगे, जब हम फिर से आएंगे तो इसी चीज़ को बनाएंगे जो हम यहाँ पे बनाए हैं, इसी चीज़ को बनाएंगे। अगर आपको लगे कि आपका ये पोशाक में घेरा कम हो रहा है, देखिए जैसे कि अभी तो यहाँ पे घेरा बिल्कुल ठीक है, पर कम होगा घेरा क्योंकि ये गोलाई में हम बना रहे हैं, तो कम तो घेरा होना स्वाभाविक है, तो आप यहाँ इसकी संख्या को बढ़ा दें। देखिए अभी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है गोलाई, इस लाइन तक हम बना सकते हैं इसे, लेकिन जब हम अगली लाइन पे आएंगे तो हमें 6 से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो हम लिए हुए हैं ना यहाँ पे डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 छः से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें 8 करना होगा। तो आप उस अनुसार जब अगले पे आएँ, यहाँ पे आएँ, तो इस चीज़ को आप 8 बना लें और फिर से आप इसी चीज़ को करते हुए पोशाक को पूरा, जितना आपको चाहिए इसका घेरा, जितने बड़े कान्हा जी का आप बना रहे हैं उस अनुसार इसका आप दूरी तय करके इसे सबसे पहले कंप्लीट कर लें। अब देखिए, अब इसे हम कहाँ से कहाँ तक बनाकर लाए हुए हैं ये तो हम आप लोगों को बतलाएं, इसके बाद यहाँ 6 भी बतलाएं, 6 डबल क्रोशिया करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम 8 किए हुए हैं, 4 4 8, 8 के बाद हम इस चीज़ को 4 यहाँ पर किए, 4 बनाएँ, फिर 2 चेन लिए, फिर 4 बनाए, इस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं। देख रही हैं आप, इस तरह से हम बनाकर इसे यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। अगर इसे आप और बड़े कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, इसे और लंबा बनाना चाहती हैं, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 6 लिए थे, फिर दोबारा हम 6 लिए, फिर हम 8 लिए, अब आप यहाँ पर 10 ले लें, फिर 12 ले लें, फिर 14 ले लें, यानी 2 2 बढ़ाते चली जाएँ तो इस पर बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आएगा। अब हम इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसमें हम कट कर लेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ इसे बढ़ा सकती हैं, इसे हम यहाँ पे कट कर लिए हैं धागे को। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ हम यहाँ पे आपकी अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस तरह का बनाए हुए हैं स्ट्रॉबेरी, तो इसे हम लगाएंगे। अगर आप ये बनाना चाहती हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से इसे बना सकती हैं। इसे हम कुछ इस ढंग से सजाएंगे, जैसे इसकी मात्रा ज़्यादा है हमारे पास, तो हम इसे एक एक में प्रत्येक इस तरह से सिलाई करते चले जाएंगे। आप पेस्ट भी कर सकती हैं। देखिए, इसके बाद हम इस कलर को लगाएंगे, यानी 2 कलर, ये हो गया गुलाबी, 1 कलर हो गया पीला, फिर हम 2 कलर यहाँ पर इस तरह लगाएंगे। इस तरह से हम इसे पूरा सेट कर लेंगे, इसे और कुछ हम साइड साइड में कर लेंगे तो ये भी यहाँ पे चलाएगा। तो इस तरह से हम इस ड्रेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप सिलाई कर लें अगर चाहती हैं तो, अगर चाहती हैं तो पेस्ट कर लें। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।